कोविड-19 के पार्श्व भूमि पर बालकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कृति दल की बैठक ली गई। बैठक के दौरान कोविड काल में अनाथ हुए बालकों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के निर्देश जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने दिए। कोविड के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई, इस दौरान कई बच्चे अनाथ हुए। ऐसे अनाथ हुए बालकों की जानकारी लेकर उन बालकों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करें, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने उपस्थितों को दिए। कोविड-19 के रोग के पार्श्व भूमि पर बालकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आयोजित कृति दल की बैठक में वे बोल रहे थे। इस समय जिलाधिकारी अजय गुल्हाने, इनके साथ ही अपर जिलाधिकारी विद्युत वरखेड़कर, पुलिस उप अधीक्षक शेखर देशमुख, मनपा उपायुक्त अशोक गराटे, बलारपुर के मुख्याधिकारी विजय सरनाईक, बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा एडवोकेट वर्षा अल्जामदार, महिला व बाल विकास अधिकारी रमेश टेटे, जिला बाल संरक्षण कक्ष अधिकारी अजय साखरकर, उप शिक्षणाधिकारी पूनम मस्के प्रमुखता से उपस्थित थे। जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने इस समय कहा कि जिन पालकों ने अपने दोनों ही पालक खोए हैं, ऐसे बालकों की तहसील स्तर पर जानकारी संग्रहित करें। साथ ही अनाथ हुए बालकों की मालमत्ता सुरक्षित करने संबंध जिला विधि सेवा प्राधिकरण इन्हें जिम्मेदारी सौंपे, इस बारे में योग्य कार्रवाई करे। जिले में अब तक कोविड से 1533 व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इनमें से अनेक पालकों का समावेश है। इसकी खातर जमा करा लेने के लिए आरोग्य विभाग की ओर से डेथ लिस्ट और संपर्क क्रमांक लेकर उक्त मृत व्यक्ति की जानकारी कॉल सेंटर द्वारा कॉल कर प्राप्त करा ले। कोविड से एक पालक और दोनों ही पालक गवाए बालकों के लिए योजना और लाभ की जानकारी कॉल सेंटर द्वारा कॉल करा कर दी जाए। साथ ही बालक किस तरह से बाल संगोपन का लाभ ले सकते हैं, इसकी जानकारी भी तहसील स्तर पर देना जरूरी है। जिले में 0 से 18 वर्ष उम्र गट के 279 बालकों को बाल संगोपन योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्हें 1100 रुपए प्रति महीना लाभ दिए जाने का जिलाधिकारी गुल्हाने ने इस समय कहा। इसी के साथ चंद्रपुर जिले के कोविड से विधवा हुए 164 महिलाओं को संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी विधवा निवृत्ति वेतन योजना और राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना का लाभ देने के लिए संबंधित तहसील के तहसीलदारों को जानकारी दी गई है। अब तक 29 कोविड विधवा महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। इस समय जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने दोनों के पालक खोए बालकों की मालमत्ता सुरक्षित करने संबंध की जानकारी जानी।